रायपुर से लगे अभनपुर थाना क्षेत्र के केंद्रीय गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारियों और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि परिवार के मुखिया कमलेश साहू का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। वे मकान के दूसरे कमरे में मृतक की मां, पत्नी और 2 बच्चों का भी शव मिला है। फिलहाल अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि पूरे परिवार ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया। पुर थाना के केंद्रीय गांव का मामला है। यहाँ पे कमलेश साहू और उसके परिवार के मतलब उसके मिला के 5 अन्य सदस्य, उसकी माता, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चों का शव यहाँ पे मिला था। पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की टीम यहाँ पे पहुंची थी। शव का पंचनामा और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को पीएम के लिए भेजा गया है। अभी पीएम होगा। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद और एफएसएल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही मृत्यु के कारणों के संबंध में स्टेप स्पष्ट। आखिर क्या कारण था जो मृतक महेश साहू अपने परिवार वालों के साथ इतना बड़ा कदम? परिवार का मेरा भतीजा है, वो मेरे भाई नहीं है अभी, लेकिन इसके बारे में मतलब कोई परेशानी वगैरह के बारे में जानकारी नहीं था। आखिर क्यों उन्हें इतना बड़ा कारण उठाना पड़ा, आखिर इतना बड़ा कदम उन्हें क्यों उठाना पड़ा? त्योहार का माहौल था, एक साथ 5 लोगों की यहाँ पर शव मिला है लोगों को, तो आखिर क्या आर्थिक तंगी थी घर वालों को, या फिर कुछ विवाद का कारण था, या फिर कहीं कर्जा था उनका बाहर? ये सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। कर्जा रहता तो बताता ना पहले से। बीते दिनों त्योहार का ही माहौल था, किस तरीके का यहाँ पर त्योहार मनाया? त्योहार तो सही सलामत मनाए, घर वर को भी साफ सफाई किए हम लोग। यहाँ पर हमारे पास केंद्रीय गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो कमलेश साहू की मौत हुई है, यहाँ पर 5 लोगों का शव एक साथ मिला है, तो आखिर कुछ कारण समझ आ रहा है? यहाँ पे हम लोग को कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सभी रोजगार करते थे। लड़का वेल्डिंग का काम करता था, इसकी पत्नी भी काम करने जाती थी। न किसी प्रकार से कोई इसका ऐसा चलो आदत आचरण ऐसा अपने काम से काम रहता था। हम लोग को आज जैसे पता चला पूरे गांव सनसनी फैल गया। अचानक हुआ कैसे? कमलेश साहू को किसी प्रकार का पारिवारिक तनाव या फिर कोई सामाजिक तनाव ऐसा कुछ महसूस हुआ कि आप लोगों को आकर कभी अपने परेशानियों को आप लोगों से बताए हो, बातचीत किए हो? नहीं जी, अभी तक किसी से जानकारी नहीं है, न किसी से शेयर भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं है, क्योंकि इसकी माँ को अलग से पेंशन भी मिलता था और इन लोग को राशन कार्ड 2 प्रकार राशन कार्ड मिला था, गुलाबी और जिसमें 80 किलो चावल 5 नवंबर को इसके परिवार को मिला है और अक्टूबर में 1000 रुपए इसकी मम्मी को पेंशन ही प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी, एफएसएल की टीम और उसके साथ ही तहसीलदार सब मौके पर पहुंचे हैं। कमलेश साहू के परिवार के 4 सदस्यों को पंचनामा गवाह बनाने के बाद शव को नीचे उतारा गया। तमाम बिंदुओं पर जांच की गई है और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय पर पोस्टमार्टम के बाद किस प्रकार के कारण निकल करके सामने आता है, आखिर क्या कारण यहाँ पर होगा जो कमलेश साहू एक साथ अपने 5 सदस्यों, परिवार के 5 सदस्यों के साथ आत्महत्या कर ली। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।